बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक हैं। अल्लाह ताला हमेशा सबको ठीक और ठाक रखे और अल्लाह ताला सेहत दुरुस्ती वाली ज़िंदगी सबको अता फरमाए, आमीन। आज जो मेरा लंच मेन्यू है वो है मैंने आलू चटपटे से आलू बनाने के लिए, और जिसके लिए मुझे चाहिए था चाहिए प्याज। मैंने दो छोटे से प्याज ले लिए और लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया। टमाटर मैंने कट करके रख लिए हैं और सारा कुछ मेरा रेडी है इस वक्त। और मैंने आलू भी कट करके रख लिए हैं ब्रीक ब्रीक से। अब हम हंडिया में डालेंगे प्याज दो जो मैंने कट करके रखे हुए थे, और इसके अंदर मैंने डाल लिया घी साथ। अब इसमें फ्राई होगा घी, जब यह लाइट ब्राउन हो जाएगा अन्य प्याज तो मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया हुआ है। तो प्याज हो गया लाइट ब्राउन, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया। अब ये इसकी मैं ब्लेंड करूँगी अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद मैं नमक मिर्च डालूँगी। ये अदरक और लहसुन की बनाई होगी है, तो अब मैं इसमें डालूँगी अपने सारे मसाला जात। पहले मैंने नमक लिया है 1.5 चम्मच, मिर्च और चिली फ्लिक्स लिया मैंने 1 टीस्पून, मैंने टर्मेरिक पाउडर। अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। मैंने बीस टमाटर कट करके रखे हुए हैं, 4 छोटे नॉर्मल साइज के हैं, ना छोटे ना बड़े। और टमाटर मैंने कट करके डाल दिए, टमाटर डाल दिए हैं। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी ताकि ये जो टमाटर हैं तो ये इनडिजॉल्व हो जाएंगे मसाले के अंदर। भुनाई होगी अब इसकी, टमाटर जो है वो भुन गए। अब हम इसके अंदर जो कटे हुए आलू थे वो हम डालेंगे अंदर। इसको कटे हुए आलू डाले हमने बीच में, और हम इसमें अपना इसके डालेंगे साबुत गरम मसाला। देखिए मैंने लिए इसके साथ काली मिर्च साबुत, एक मोटी इलायची और साथ एक दालचीनी। अब हम इसको भुनाई करेंगे इसकी। अब इसकी मैं भुनाई देखिए कितनी हो गई है, तो अब हम इसके साथ इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी का 1 चम्मच। अच्छी सी स्मेल के लिए हम ना डालेंगे इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल के मैंने थोड़ी सी इसकी भुनाई की है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, मैंने बड़ी बड़ी काटा, और हरी मिर्च। हम इसको रख देंगे अब 10 मिनट के दम पर ताकि ये आलू गल जाए। आलू बन के तैयार हो गए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे धनिया के साथ, और अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में। ये अब सर्व हो गया प्लेट में, अब हम इसको एंजॉय करके खाएंगे। स्मेल इतनी को प्यारी आ रही है, दिल कर अभी खा लिया जाए। आप भी वीडियो को एंजॉय किया होगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको लास्ट भी मज़ा आएगा।